अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ फ्राइड फिश रेसिपी। इसके लिए मैंने 2 किलो मीठे पानी की फ़िश ले ली है और इसको मैंने वॉश करने के बाद इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, नमक और 1 चम्मच सिरके का इसको अच्छा सा मैंने लगा के रख दिया था ताकि इसकी जो एक स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सारे स्पाइसेस हमारे। इसमें मैंने साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा एंड साबुत लाल मिर्च को भून के इसको मैंने पीस लिया है और ये छोटा चाय का चम्मच अजवाइन है, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर है, गरम मसाला है, कुटी लाल मिर्च है, सॉल्ट है, अच्छा 1 लेमन इसमें मैं ऐड करूँगी। खशखश मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून, इसको मैंने पीस लिया है भिगोने के बाद इसको फिर पीसा है। 1 एग मैंने ले लिया है, हरी मिर्च और हरा धनिया इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है और 2 खाने के चम्मच ये 2 टेबल स्पून हमारे पास बेसन है इसी मैरिनेशन के लिए। अब सब चीज़ें मैं इसमें मिक्स कर लूँ, उसको अच्छा सा मैरिनेट करके ऐड कर दूँगी सब मसाले। खशखश मैं इसमें 1/2 ले लूँगी, थोड़ी ज़्यादा लग रही है मुझे। बेसन ऐड कर दूँगी इसमें। अच्छा सा कलर देना चाहते हैं जैसे बाहर एक बाज़ार की फ़िश में होता है, तो हम इसमें 1 चुटकी जो है मैं इसमें कलर ऐड कर दूंगी। बहुत अच्छा सा फ्राई करने में इसका कलर आ जाएगा, जो जर्दे का कलर होता है फूड कलर नॉर्मली जो हम लोग यूज़ करते हैं घर में, वो आप इसमें 1 पिंच जस्ट ऐड कर दें। आप इसको ब्रशिंग भी कर सकते हैं मसाले का, आप इसको पेस्ट बना लें और आप इसकी ब्रशिंग कर लें, उससे और अच्छा सा हो जाए सब पीस में मसाला अच्छा सा मैरिनेट हो जाएगा। व्यूअर्स, आज ये फ़िश फ्राई करने के लिए मैंने अपना नया पैन निकाल लिया है जो कि बहुत टाइम से मेरे पास रखा हुआ था, तो इसमें मैं ऑयल डालूंगी, इसको गर्म करूंगी, फिर फिश फ्राई करूंगी। कि मैंने जो फ़िश ली थी तो मैंने ये बीच में से ऐसे पीस करवा लिए, इसमें सिर्फ 1 ही काटा है, तो ये जब हम खाएंगे तो ये ईजिली रिमूव हो जाएगा, हमें खाने में इतनी परेशानी नहीं होगी और ये फ्राई भी बहुत अच्छा और बहुत क्रिस्पी होगा। ये थोड़ा जितना पतला पीस होता है उतना अच्छा फ्राई होता है और क्रिस्पी भी होता है, तो ये छोटी फिश थी तो मैंने उसको बीच में से 2 टुकड़े करवा लिया था ऐसे। गैस में हम फिश बाहर फ्राई करेंगे। अच्छा, इसको मैं अभी पूरी तो फ्राई नहीं कर रही हूँ, इसको बाकी जो है फ्रीज कर दूंगी, अभी मैं सिर्फ ये 2 पीस फ्राई कर रही हूँ। बॉक्स में फ्रीज कर सकते हैं अपने मसाला लगा के, जब दिल चाहे आप जो है इसको निकालें, फ्राई कर लें और इन्जॉय करें दाल चावल के साथ, मटर पुलाव के साथ और ऐसे ही चपाती के साथ भी आप खा सकते हैं। हमारी एक साइड से बहुत अच्छी सी फिश फ्राई हो गई है, दूसरी साइड से भी ये डन हो जाए फिर हम इसको सर्व करेंगे। हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है दोनों साइड से, हम इसको डिश आउट कर लेंगे और उसको सर्व करेंगे लेमन के साथ, चाट मसाले के साथ हम सर्व करेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा।